दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ों को तो इस्तेमाल हम बखूबी करते हैं, लेकिन क्या इसके बारे में जानने की भी हम कोशिश करते हैं? शायद नहीं। दुनिया के हर कोने में ब्लू जीन्स पहनी जाती है। आपने भी लाइफ में कभी न कभी ब्लू जीन्स जरूर पहनी होगी। खासकर नौजवान इन्हें बड़े ही चाव से पहनते हैं। भारत में भी लोग ब्लू जीन्स बढ़ चढ़कर खरीदते और पहनते हैं। यह पहनावा तो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है, लेकिन क्या आप इसकी खोज का भारतीय कनेक्शन जानते हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ब्लू जीन्स की खोज 1871 में लेवी स्ट्रस और जैकोब डेविस ने मिलकर अमेरिका में की थी। अमेरिका भारत से तो हजारों मील दूर है, बावजूद इसके कि भारत का भी इसमें अहम रोल है, वो इसके नाम में छुपा है। दरअसल लेवी स्ट्रस और जैकोब डेविस ने नीली जीन्स के लिए जो कलर सेट किया था, वो उन्होंने भारतीय नील से प्रेरित होकर सेलेक्ट किए थे। लेवी स्ट्रस ने कैलिफोर्निया के खनिकों और कारखानों में काम करने वालों की एक बात नोटिस की, वो ये कि उनके कपड़े जल्दी फट जाते थे। ऐसे में उन्हें ऐसे कपड़ों की दरकार थी जो मजबूत हो। इसके बाद लेवी स्ट्रस ने जैकब डेविस नाम के टेलर के साथ मिलकर सूती ब्लू जीन्स तैयार की। भारतीय नील से रंगा एक कपड़ा उन्होंने इटली के जेनोवा से मंगाया था, इसी के नाम पर इसका नाम जीन्स पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये नील इंडिया से इटली और वहां से अमेरिका कैसे पहुंचा? इसके बारे में जानने के लिए आपको नील का इतिहास जानना होगा। प्राचीन काल में लोग सीमित रंग के ही कपड़े पहनते थे, लेकिन जैसे ही इंडिगो डाई यानी नील का आविष्कार हुआ, नीले रंग के कपड़े एक लग्जरी आइटम बन गए। नील की खेती पहले अमेरिका में बहुत होती थी, इसकी डिमांड वैश्विक बाजारों में अधिक थी। मध्य युग के दौरान यूरोप में इंडिगो बहुत दुर्लभ और महंगा था, इसे नीला सोना भी कहा जाता था। 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने किसानों को नील की खेती करने पर मजबूर कर दिया। इसकी बहुत डिमांड थी और नील में हाथ रंगने वाले व्यापारी का मालामाल होना तो पक्का माना जाता था। सन 1810 तक ब्रिटेन द्वारा आयातित नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था, यानी दुनिया भर में जो भी नील इस्तेमाल होता था वो भारत से ही बनकर जाता था। इस तरह नील इटली पहुंचा और वहां से अमेरिका। अब जो ब्लू जीन्स लेवी स्ट्रस ने बनाई थी, उसे बाद में नीम्स इटली के बुनकरों ने इसकी कॉपी करनी शुरू कर दी। इसे डेनिम्स कहा जाने लगा, जो आगे चलकर डेनिम के नाम से पॉपुलर हुआ। जीन्स लोगों के बीच बहुत ही फेमस हुई, लेकिन अभी भी लोग इसे गरीबों की पोशाक ही मानते थे। लेकिन अमेरिकन एक्टर जेम्स डीन ने अपनी फिल्म रेबल विदाउट ए कैश में पहना और इसके बाद ये युवाओं का प्रतीक बन गई और जीन्स का ट्रेंड पहले अमेरिका और बाद में पूरी दुनिया पर छा गया। आज ये जीन्स भारत सहित दुनिया भर के गांवों और कस्बों में भी पहनी जाती है। नीली जीन्स से जुड़ा ये भारतीय कनेक्शन क्या आप पहले से ही जानते थे? तो कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।